निकलेगा, जो हम खाएंगे हमारे ब्लड में वो चीज़ रहेगा ना, यूरिया का मात्रा तो ब्लड में भी रहेगा ना, तो पशु जो चारा खाती है तो वो भी तो उसका अंश तो भी यूरिया का अंश तो दूध में रहेगा ना, पानी का अंश तो रहेगा ही। बस यही सब है, यही सब से वो अपना लखनऊ लैब में ले आके टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, वारंट आ गया, केस लड़ो, 50,000 जुर्माना हो गया, 50,000 भरो। ये सरकार का, योगी सरकार का यही सब है सर, समस्या था 5 साल कार्य पूरा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें तय हो चुकी हैं, जनता और नेता चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। आज हम आए हैं भोजूबीर में, दूध की सट्टी में, जहां दूर दूर से, आसपास के गांव से और दूर दूर से लोग यहां दूध बेचने आते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं दूध बेचने वाले लोगों से कि उनकी क्या समस्याएँ हैं, आने वाले दिनों में वो क्या सोचते हैं कि किस तरीके की सरकार बने और पिछली सरकार ने उनके लिए क्या किया, क्या उम्मीदें थी, इन्हीं सब मुद्दों पर आज उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए बात करते हैं आपसे, आप कहाँ से हैं और यहाँ किस काम के आते हैं? दूध बेचने आते हैं। किस गांव से हैं? पिंडरा फूलपुर। अच्छा, तो क्या वहाँ मार्केट नहीं है? मार्केट नहीं है सर। तो आप क्या चाहते हैं, पिछला इतनी दूर से आप आते हैं पिंडरा, यहाँ से कितने किलोमीटर है? 28 किलोमीटर। रोज आप 28 किलोमीटर आते हैं, 28 किलोमीटर जाते हैं, तो इस आने जाने में आपको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? अब साहब परेशानी कौनो तो ना है ढेर बा, लेकिन यह दूधे का बड़ी सस्ताई बा। अच्छा, कोई आने जाने परेशानी नहीं होती आपको? अब परेशानी गाड़ी घोड़ा इतना हो गई, मैं परेशानी तो बटल बा। अच्छा, दूध सस्ता आप बोल रहे हैं, किस भाव में दूध जाता है? ये 35 रुपया का बिकत है साहब, 40 रुपया का दुहाई हो। अच्छा, तो आप किस तरीके का बाजार चाहते हैं दूध के लिए? अब बाजार साहब 50 रुपया का रहता, नून रोटी चलन है, गरीबी बा। मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने करक्याओं में अमूल प्लांट का उद्घाटन किया 23 दिसंबर को, जिसमें अमूल दूध की फैक्ट्री लगेगी, और उन्होंने बोला कि आसपास के जितने दूध वाले हैं या जो दूध बेचते हैं उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी, उनको रोज़गार मिलेगा और उनको जितना वो अभी कमाते हैं उसे वो ज़्यादा कमा पाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? ए साहब, अब खुला जब होकर मालूम हो तब ना, अभी तो अनियारे में बा, होकर कहा बतावल जा मैंने आपको। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आपके गाँव में? वो हमारे पड़ोसे में खुला है। अच्छा, फूलपुर में। हाँ, आप गए वहाँ देखने? हम देखने गए हैं। तो क्या उम्मीद है, किस तरीके की स्थिति बन? अब साहब स्थिति अब अहिले पर बताइए ना, या फिर आप क्या बताइए? आपको कितना दूध होता है एक दिन में? इस समय कितना लीटर दूध होता है? 50-55 लीटर होला। अच्छा, तो पूरा बिक जाता है कि कुछ बचता है? ना, अब ये देखा साहब, लेकिन कब अगर 2 घंटा से खड़ा है यही। कितने बजे आते हैं? 11 बजे का हाल है। जाते कितने बजे? अब 3 बज जाला, 4 बज जाला। अच्छा, ये जो सरकार जो दूध लेती है, पैकेट वाला दूध जो बनता है, उसके लिए आपका दूध वहाँ जाता है? नहीं साहब, हमने नहीं, कोई सुविधा नहीं है ना। आप चाहते हैं कि अपने गांव में ऐसा दूध का बाजार लगे? ये साहब लग जाए तो बढ़िया भाई, यहाँ उसे का परेशानी झेले से दिक्कत बा। कितने दूध वाले हैं आपके गाँव में? अरे बहुत सामान। क्या कभी आप लोगों ने मांग नहीं उठाई? अब मांग कैसे उठाई साहब, अब सरकार सुना तब ना मांग उठाई। यहाँ तो सैंपल भरा जाता है हम लोगों को, यहाँ सैंपल भरा जाता है, इसके बाद फाइन मारा जाता है, हर चीज यहाँ होता है। सैंपल लेकर क्यों फाइन मारा जाता है? वही कि इसमें यूरिया है, इसमें क्या क्या निकलता है तो अधिकारी जाने, हम क्या जाने। क्या आप मिलाते हैं? कुछ MA यूरिया मिला के साहब दूधे में लेके आई। तो वो कैसा आपको बोलते हैं? उनमें लिख दही है साहब, जो लिख दही है, जुर्माना भरा, कोई मुकदमा लड़ा, कोई हर चीज परेशानी होला। तो कब ले जाते हैं ये सैंपल? ये सैंपल साहब आ जाए, आ जाए काले, आ जाए कोनो बैलू बा, कब आ जाइए? जब आ जाए अपन भर के लेके जाइए। अच्छा, तो जब ये सैंपल लेके जाते हैं तो कब पता चलता आपको कि इसमें वो मिला? अब साहब नोटिस घरे आवाला, ऑनलाइन से, हाँ का पोस्ट ऑफिस से आई या तो थाने से आई या कहीं से आई तो कागज मिली। और फाइन, फाइन कितना लगता है? अब फाइन साहब सरकार के ऊपर जो फाइन मार दे, 20,000, 25,000, 50,000, 10,000। आपको कभी लगा है इस तरीके का फाइन? अरे साहब एक जाए तो भरात रहो भागे, नहीं तो हमरो भराई गलो भागे अब गाड़ी लेके। अच्छा, तो इसका कोई आप लोग आवाज नहीं उठाते? कहाँ आवाज उठाए साहब, के सुनने वाला बा।
अभी देखिए किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने साल भर लड़ाई की, तब उनकी आवाज सुनी साहब? साल भर तो यहाँ अब हम जे जहाँ से आवत के कहाँ से आवत के आवाज उठाई। आप लोगों का कोई यूनियन है? यूनियन कौन भाई, हमारे ठेकेदार बन जारी लेते उन्होंने यूनियन है। तो ठेकेदार आपके लिए कोई काम नहीं करते? अब क्या करे, सैंपल से अधिकारी से ठेकेदार मार करे नहीं, फिर भी भाई अधिकारी से ठेकेदार तो मार करिए ना। योगी जी का जो शासन आया हम लोग सुनते अपने बाप भाग के आरे लुके से फंसे हुए हैं लॉकडाउन में। दूध यहाँ 11 बजे एक बार लाठी बजने लगती थी। अच्छा, 11 बजे एक बार यहाँ लाठी बजे लगत रहा। तो साहब बतावा कि कौन हमने दुर्ग से दस दस भैंस पाल पाल के का खियाई ओडर के माटी। अच्छा, अभी जब लॉकडाउन लगा था जब अभी लॉकडाउन लगा था तब आप लोगों ने किस तरीके से दूध बेचा? हम लोग आते थे दूध लेकर के, जब कभी कभी बिक भी जाता था, कभी हमारे लोग का बचा रहता तो लालच में खड़ा रहते थे कि हमारा बिक जाए। तब ले समय हो गया, पुलिस वाले आगे डंडा लेके दौड़ा, हम लोग बल्टा छोड़ के भागते थे, गिर भी जाते थे और बल्टा ले के भाग भी जाते थे, कभी बच जाता था गोर तो गिर भी जाते थे, हमारा दूध भी गिर जाता था, नुकसान हो जाता। योगी महाराज का शासन अच्छा रहा और अच्छा रहा, उनके शासन में कोई मतलब परेशानी नहीं हुआ है, लेकिन कानून से हुआ है परेशानी। ये जो कि लॉकडाउन लगा दिए, दूध का कच्चा रोजगार है, ये आवश्यक वस्तु सरकार बोली है कि आवश्यक है, दवा दूध ये सब बिकेगा। और वो लोग समय से बस घड़ी देखे 10 मिनट पहले आगे भागो साले भागो, हम लोग भागते में दूध भी गिर जाता था, भाग जाते थे। मेरा नाम नत्थू यादव, ग्राम गहरपुर पोस्ट कुआरी करा, थाना बड़ा गाँव, वाराणसी से हम दूध बेचने यहाँ आते हैं। यहाँ से मैडम करीब है 15-18 किलोमीटर के करीब है। अच्छा, तो आपका रोज यहाँ आना जाना होता है? रोज पर डे आना जाना होता है। दोनों दूध ले आते हैं? दूध लेकर आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल? हाँ, 100 किलो। तो पूरा बिक जाता है? बिकता है, कभी नहीं बिकता है, नहीं बिकता तो जाकर भैंस को पिला देते हैं। तो ये दूध का खुला बाजार है यहाँ पर, जी कोई भी आकर ले सकता, तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा मैडम कि घर जगह ऐसा कोई नहीं है? होटल वाले में जब होटल में आदमी जाएंगे तब तो होटल में खरीद होगी। अब यहाँ पर हम लोग 40 का वहाँ गांव से खरीदते हैं, यहाँ पर आते हैं मार्केट नहीं है, 35 का बिकता है, तो बताइए कहाँ से हम लोगों का पैसा निकलेगा। मैडम दूध वाला जब आता तो बोलता भाव बढ़ गया, बोलता 40 दे रहे हैं, बोलेगा कुछ दिन 45 देंगे, तो क्या आप लोगों का रेट नहीं बढ़ता है? हम लोगों का मैडम कोई रेट नहीं है फिक्स। अच्छा, अभी करख्याओ में अमूल प्लांट लगने वाला है, अमूल दूध का, उसमें पनीर है, दूध है, दही, इस तरीके की सब चीज़ें बनेंगी, जिस तरीके से गुजरात में अमूल का बहुत बड़ा प्लांट है उसी के तर्ज पर यहाँ पर सरकार ने अमूल प्लांट खोला है कि यहाँ जो दूध बेचने वाले उनको बहुत फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, इस पर क्या कहना है? मैडम कोई फायदा नहीं है, देखिए वो गाली लगी है ना, वो कंपनी में दूध जाते हैं, यहाँ से 30-35 रुपया फैट लगाते हैं और लेकर जाते हैं, वो कंपनी अपना डंप करके रख देती है, अपने मन से उसका रेट लगा कर दोबारा मार्केट में लाती है, कंपनी को फायदा है, इसमें हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। तो आप क्यों बेच देते हैं कंपनी को? क्या करें, दूध है खराब हो जाएगा, एक दिन के बाद दूसरे दिन ही खराब हो जाएगा, कंपनी है उसमें क्या मिलाती है, केमिकल मिलाती है या दवा मिलाती है, उसको कैसे रखती है वो जाने। अच्छा, ये मैं बोली जब आप लोगों का दूध का टेस्टिंग होता है? जी, दूध का टेस्टिंग हुआ कभी? बहुत बार हुआ है। तो ये दूध जब यहाँ से ले जाते हैं जी, तुरंत टेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे दिन करते हैं, जब दूसरे दिन करेंगे तो दूध तो खराब हो जाता है, तब उसकी रिपोर्ट कैसे आती है? मैडम यहाँ से उसको जार रहता है, जो जार में दूध खराब नहीं होता है, उसका लेकर जाते हैं सैंपल अधिकारी, अब वहाँ पर जाते हैं, अब कहाँ चेक होता है, लखनऊ चेक होता है, कहाँ चेक होता है, इसका कोई विवरण यहाँ पर नहीं बताते हैं कि यहाँ चेक हो रहा है। आप लोग अपना यूनियन क्यों नहीं बनाते हैं? यूनियन मैडम यहाँ पर कोई कैसे बनेगा? हाँ, जब मंडी समिति का कोई स्थान होगा तब ना यूनियन बनेगा। नहीं, आप लोग जैसे यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे दूध वाले इकट्ठे होते हैं सुबह से शाम तक, आते सब अपने अपने समय पे आते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि यूनियन बनाया जाए और इस तरीके से आवाज उठाई जाए, जो चीजें आप लोगों के पक्ष में नहीं है उनके लिए? ऐसा मैडम कि यहाँ पर कुछ लोग हैं यूनियन के राय में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बोलते हैं कि क्यों हम दूसरों से झगड़ा मोल लिया जाए, आएंगे अपना बेच कर चले जाएंगे, एकता नहीं है इन लोगों में। अच्छा, और जो अमूल प्लांट लगने वाला है जी, सरकार को भी बहुत रोजगार मिलेगा? कहाँ से रोजगार है, मैं बीए करके हम लोग बल्टा चला रहे हैं, कहाँ सरकार रोजगार दे रही है? पहले तो बोली 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार दी, जितना पेपर हो रहा है सब पेपर लीक हो जा रहा है, कहाँ से रोजगार दे रही है?
हम जब जिस गांव से आते हैं हाँ। वहां पर दूध वाला वहां दूध की सट्टी क्यों नहीं खोलते हैं? गांव में कहां से दूध, जब शहर में है दूध बिक रहा है तो गांव में कौन पिएगा दूध? गांव में तो हम लोग पैदा करते हैं दूध। नहीं नहीं, मतलब इस तरीके की सट्टी बाजार लगाई जाए जो जो कंपनी वाले वहां जाकर ले ले तो आप लोग को आने में दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके का काम? कंपनी जब बढ़िया दूध का बढ़िया रेट दे तब तो कंपनी को दिया जाए, बढ़िया दूध का 35 रुपया रेट दे रही तो कौन कंपनी में देना चाहेगा? यहां भी तो आप दे रहे 30 रुपये। हां तो क्या करें, यहां पर आ रहे हैं, अगर बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा तो कंपनी का मजबूरी है, देकर जाना पड़ेगा। अच्छा, पिछले दिनों में आपके गाँव में क्या क्या काम हुआ है और क्या उम्मीदें थी आपको सरकार से और आने वाले दिनों में? मैडम, हम लोगों के गांव में कुछ काम नहीं हुआ है, खाली पेपर पे सब काम हो रहा है, जमीनी तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है, खाली विकास हो रहा है, सड़क बन रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। हम लोग पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ, सरकार कुछ कर नहीं रही है हम लोगों के लिए। सड़क बनना भी तो विकास का एक हिस्सा है, मंदिर बना, सड़क बना, मंदिर में कौन जाएगा? हाँ, हम लोग बेरोजगार है तो अब विश्वनाथ जी में मंदिर बन गया, 250 रुपये का प्रसाद है, कौन गरीब बिराएगा वहाँ पर 250 रुपये का प्रसाद लेकर विश्वनाथ जी का दर्शन करने? हाँ, दो लड्डू 250 में विश्वनाथ जी खाएंगे? हाँ, बस हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए और क्या चाहिए? विकास का मतलब तो ये तो सड़क बन गई, फ्लाईओवर बन गया। मैडम, सड़क बन रही है, ठीक है, सड़क बनना चाहिए, लेकिन कितना अब सब जनता को मार कर सड़क बने? पेट्रोल हो गया 65 से 100 रुपया लीटर, बताइए हम लोग जितने में 2 दिन आते थे उतने में 1 दिन आ रहे हैं, कहाँ से आएगा? अच्छा, तो आप अपना जैसे दूध के अलावा और भी पनीर है, ये खोआ है, ये सब भी बनाते हैं? हाँ, नहीं बस हम लोग दूध बनाते हैं। दूध बनाते हैं? बनाते नहीं, हाँ लेकर आते हैं गाँव से अपने। अच्छा, गाँव से इकट्ठा करके ले आते हैं? ले आते हैं। तो गाँव वालों से कितना लेते हैं आप? 40 रुपया लीटर। और यहाँ 35 रुपये में? 35 रुपया में बिक रहा है। तब ऐसे में तो आपको बहुत नुकसान, 500 रुपया रोज जा रहा है मैडम दूध का, उसके बाद अपना मजूरी हो गया, गाड़ी का तेल हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है। दूसरा काम क्यों नहीं खोजते हैं? कौन सा काम करें? पकौड़ा बेचें, चाय बेचें, कौन पिएगा? इतने लोग दूध लेकर आ रहे हैं, इतना चाय बनेगा तो कौन पिएगा? नहीं नहीं, आप नुकसान में काम कर रहे हैं तो आपको अपना कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? कौन सा काम करें बताइए, आप ही लोग बताइए या सरकार बताए कि हम लोगों को कोई रोजगार दे या कोई काम दे। कहाँ से आते हैं, कितना दूध लेकर आते हैं? और हम लोग सिंहपुर से आते हैं, दुकानदार आदमी है, मीठा की दुकान है, चाय की दुकान है, दूध खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, दूध खरीदने आए हैं? दूध खरीद के ले जाते हैं। कितने रुपए लीटर लेते हैं? 40 रुपए लीटर। 40 रुपए लेके जाते हैं? 35 का ले जाते हैं ना भाई, 35-40 जैसा दूध बढ़िया जो है 40 का मिलेगा, जो नरम दूध है वो 35 का मिलेगा। बढ़िया दूध पता चलता है चीखने में, देखने में उसको चीखेंगे तो पता लगेगा कौन बढ़िया कौन खराब है। अच्छा, आपका मिठाई का दुकान है? अच्छा, अभी कोरोना काल में जो स्थितियां पैदा हुई थी, दुकानें बंद हो गई थी, तब आप लोगों ने कैसे अपना गुजारा किया? दुकान बंद रहा एकदम। अच्छा, सब दूध वाले छेना वाले सब बंद थे, दुकान बंद, कोई नहीं आ रहा था, पूरी दुकान बंद थी। अभी सरकार ने बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा की है, उसमें अमूल प्लांट भी एक लगने वाला करखियाओं में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है, बढ़िया है, लगेगा वहाँ दूध कमाई है और गरीबों की कमाई नहीं है। सरकार तो बोली थी किसानों मजदूरों को बहुत रोजगार मिलेगा, दूध बेचने वालों को बहुत प्रॉफिट होगा। सरकार तो केवल बोलती है लेकिन जमीन स्तर पर नहीं आता है, सब ऊपर ही रह जाता है। कैसे यहाँ पर कोई भी यानी कि जो भी है सरकारी, उसको बड़े बड़े पैसे वाले तो उनसे उन्हीं लोगों के हाथ में जाता है, गरीबों के हाथ में नहीं है। आपका खेती भी है? खेती भी है। खेती किसानी कैसे चल रहा है? चल रहा है वैसे तो, गांव में खेती है ना, उसमें गेहूं बोया जाता है, धान बोया जा रहा है, उसी के भरोसे चल रहा है, दूध के भरोसे नहीं हो रहा है। अच्छा, खेती में कोई टाइम गेहूं बोया गया है? कैसे आते हैं? मैजिक से, मैजिक से जो ना भाड़ा देकर। कितना भाड़ा लगता रोज? वही जो जैसा लग जाता है 150। अच्छा, तो जब आप 100 क्विंटल दूध लेकर आते हैं तो पूरा बिक जाता है? 100 क्विंटल कहाँ लेके आए, 1 क्विंटल करें, 1 क्विंटल लेके, 1 क्विंटल लाते तो पूरा बिक जाता है? 1 क्विंटल जो ना बिक जाता है, जो बिकता है जो ना मार्केट के हिसाब से मिलता है। अच्छा, अभी जो अमूल प्लांट आने वाला है, सरकार ने अभी घोषणा की है 2 साल में बन जाएगा, उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, आप तो यंग हैं, युवा हैं, तो आपको भी उसमें रोजगार मिल सकता है, आपको क्या कहना चाहिए? जब मिल जाए तब ना, हम लोगों को कहाँ मिलेगा, वो तो बड़े पूंजीपति का बुक कर लेंगे अपना, हम लोगों को कहाँ वहाँ पे नौकरी मिलेगा। आप लोगों के दूध के लिए दूध केंद्र बनाया जाएगा जहाँ से दूध इकट्ठा किया जाएगा गाँव गाँव से, और फिर
वहाँ ले जाया जाएगा और उसका प्रोडक्शन होगा, पैकेट में बनाकर दूध बेचा जाएगा, इस पर क्या कहना आपका? तो इसीलिए ना कह रहे हैं पैकेट में सरकार को लाभ होगा ना, हमारा जो है मूल रेट लगा के देंगे, हेड के हिसाब से खरीदेंगे, अपना जो है पाउच लगा के प्रिंट मार के मोहर जो है बड़े कंपनी वाले बेचेंगे पूंजीपति। अट्ठावन रुपया का देता हमने 35 रुपया के यहाँ बेच के जा रहे हैं और जो है दो लाख के कक्के हैं। अब साहब बतावा कहाँ से हमने कितना लड़ाई लड़ी, यहाँ गर्मी में दूध महंगा होता है, गर्मी आएगा 3 महीना बाद तो दूध 60-70 रुपया लीटर बिकेगा। अरे दूसरा के साहब लॉकडाउन लग गया, कवन गर्मी में गली गोजी खाल गल, कवन महंग बिकल, दो साल लॉकडाउन साहब में हमने कोने दूध बेचा गया हम सबका जो है। अरे अरे साहब लुका लुका के हमने दूध बेच ले, एक एक लाख का भैंस लेके जो है कि घाटा सहना पड़ा। अब 10 भैंस है साहब, 10 लाख जोड़ लो उन्होंने, खरी चुनी गोबर कुल जोड़ लो साहब। अच्छा आप तो यंग है तो आप दूध बेचते, आपके पिताजी भी दूध बेचते थे? पिताजी बेचते थे। तो आप नहीं सोचे कि हमको कोई नौकरी कर लेना चाहिए, इस काम में भटकना पड़ता है? तो नौकरी करने के लिए भरे थे फार्म, जब लगेगा तब ना, जब जो ना भर्ती ही नहीं निकलेगी। चार साल इंटर बीए किए हैं, पढ़ाई नहीं किए, पिताजी की हालत गंभीर थी, खेती बाड़ी थी, पढ़ा नहीं पाए, इसलिए मजबूरन करना पड़ा अपना रोजगार। क्या नाम है? जलालपुर जिले से आते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। रोज आते हैं जी? कितना दूध ले आते हैं? 1 क्विंटल 5 लीटर। आने जाने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? अब समझ लीजिए कि सट्टी होती तो हम यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ कितने जिलों से लोग आते हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते, मैं अपना बता सकते हैं। जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, 5 जिला का साहब बनारस दूध में आवला, बिहार का भी साहब दूध यहाँ वाला। बाजार होता साहब बनारस आवत, दूध का खपत साहब लॉकडाउन लग जात बा, अब दुकान पर मिठाई बिकता ना बा, ये दुकानदार खड़ा है बिकी तब ले लही हाँ, ना बिकी तो बेचारू का करिए नहीं लेके। बाकी दिन दूध की खपत ज्यादा होगी तब तो इतने लोग यहाँ आते हैं। सरकार ने तो साहब खपत ना भर कब हो, मार्केट खुला लगा था बनारस में सबसे ज्यादा दूध खपता है, सरकार जब बंद होता है तो दूध का सरकार से क्या लेना देना? जो जब मार्केट बंद रहे, जब मार्केट जब मार्केट हमेशा खुला रहे तब तो ओकर बिजनेस बढ़ी, तब ना हमने के लिए। अच्छा तो सरकार में दूध की खपत नहीं है? नाय साहब एकदम नाय की 9 बजे के बाद लाठी मार के बंद करवा देते दुकान, तो खपत कहाँ से हुई? बहुत कुछ किया है सर। क्या क्या? अरे उनमें साहब 5 साल सिंपल नहीं भराल, सपा सरकार में 5 साल सिंपल नहीं भराल, कौनों में नहीं भराल, कहाँ भराल, मायावतियों में नहीं भराल साहब, हर महीने दूसरे महीने यहाँ साहब हर महीना 15 दिन नबीती सिंपल भराई साहब। तो अच्छा है ना ग्राहकों के लिए कि आपका दूध शुद्ध है कि नहीं पता चलता है? हमेशा शुद्ध है, शुद्ध हमेशा वाला साहब, सट्टी में शुद्ध है। लेकिन शुद्ध का डिसीजन कब मिलेगा? जब यहाँ चेक करके बताएंगे तब ले गए, 2 दिन के बाद वो तो दूध फट जाएगा, तो उसका डिसीजन गलत ही करेगा। नहीं रहता है कैसे सेफ रहेगा सर? अगर गर्मी के दिन है सुबह में 6 बजे लगाए, 12 बजे तक फट जाएगा, तो अगर उसे आप ले जाएंगे 1 दिन के बाद, अगर साहब हमारे बात आपसे हर उसे कि अगर गड़बड़ दूध है तो यही जाँच करके हमने के बता दें कि क्या गड़बड़ है, सजाए मिले के बाद 2 दिन के बाद तू खुद गड़बड़ हुई। अब लखनऊ जाए कहाँ जाए साहब, 5 दिन के बाद सैंपल आई नहीं? ठीक है, जो मतलब कह रहे हैं कि सैंपल की बात आ रही है, तो जैसे कि आप हम लोग के सामने अगर दूध हम लोग का अगर टेस्ट किया जाए, अगर कोई गड़बड़ी उसमें आ रही है तो हम लोग को सजा दे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और दूध गड़बड़ अगर नहीं है, आप ले आके कहीं क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे उसके बाद कहेंगे कि नहीं ये गड़बड़ है, तो ऐसे कैसे माना जाएगा? अगर गड़बड़ दूध है तो वहीं हम लोगों को मतलब आप जो है कि और जो भी सजा देना है, आप जो भी धारा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अच्छा आप किस गांव से आते हैं? हम आते हैं बाजीपुर हरंगा गांव से। कितना दूर है यहां से? यहां से 7-8 किलोमीटर दूर होगा। रोज आते हैं? नहीं, हमारा सप्लाई है मतलब कॉलोनी हम लोग दूध देते हैं। नहीं, यहां बेचने की बात नहीं, हमारा शुरू से ही 25-30 साल से हम लोगों का कस्टमर लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग सप्लाई देते हैं। अच्छा, और पास में भी अमूल प्लांट लगने वाला है, सरकार ने कोई मतलब नहीं, प्लांट लगे भाई जिसको देना है वो देगा, वो तो मतलब उनके नहीं है। हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं जहाँ, तो उन लोगों को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? हम लोग 25-30 साल से जिनको दे रहे हैं और रोजी रोटी हम लोग किए हैं, तो उनको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? लेकिन उस प्लांट के लगने से बहुत फायदा है ऐसा सरकार कह रही है। नहीं तो सरकार कह रही है फायदा, तो जिसको फायदा लेना है वो ले,
और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से। आपका क्या सोचना है, फायदा होगा कि नहीं? अब ये तो जो जाएगा उसको, जो देगा लेगा उसको पता चलेगा क्या फायदा है क्या नहीं फायदा है। आप लोगों ने विश्लेषण नहीं किया कि किस तरीके की स्थिति हो रही है? नहीं, इससे अब हम लोग तो भाई नहीं किए हैं, कभी दिए ही नहीं है, तो कैसे मान ले कि हमको वहाँ फायदा है घाटा है। तो आप लोगों का कोई यूनियन नहीं है? यूनियन नहीं चलता है, कच्चा धंधा है ये। अभी दो तीन घंटे के बाद ना दूध पड़ जाएगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो दुकानदार को बेचे या तो फटा हुआ चीज को हम लोग किसी जगह फेंक के चले जाए, बस यही काम है। अच्छा, तो जो सरकार इसमें आप लोगों के दूध का टेस्ट करती है? दूध क्या टेस्ट करेगी, टेस्ट करने का वो फैट वो लगा, वो सैंपल भरती है, वो सैंपल भर के जुर्माना ठोकती है, केस लड़ो, 50,000 ठोकती है, 50,000 रुपया भर के काली हुआ। अच्छा, क्या हो गया था? आपके फैट निकलता है, मतलब सैंपल उठाता है, सैंपल भरता है, जैसे मिठाई का सैंपल हुआ, दूध का सैंपल हुआ, कोई भी चीज़ का अदर चीज़ का जो है इसमें जो जो हम खाएंगे उसके हमारे ब्लड में वो नहीं निकलेगा, जो हम खाएंगे हमारे ब्लड में वो चीज़ रहेगा ना, यूरिया का मात्रा तो ब्लड में भी रहेगा ना, तो पशु जो है चारा खाती है तो वो भी तो उसका अंश तो भी यूरिया का अंश तो दूध में रहेगा ना, पानी का अंश तो रहेगा ही, बस यही सब है। यही सब सब वो अपना लखनऊ लैब में ले आके टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, वारंट आ गया, केस लड़ो, 50,000 जुर्माना हो गया, 50,000 भरो। ये सरकार का, योगी सरकार का यही सब समस्या था, 5 साल कार्य पूरा हो गया, अब फिर दूसरा लॉकडाउन में क्या हाल हुआ वो बलटारा लोग जानते हैं, 20-20 लाख 10-10 लाख का भैंस लाके बांध करके जो है कि न दूध बिका न भैंस का कर्जा दिया, बैंक वाला का सर पे चढ़ गया। अभी उससे क्या हुआ, बैंक से ही कर्ज लोन लेके जो है कि हम लोग भैंस बांधते हैं ना, तो बैंक ने क्या कार्रवाई की? हाँ, बैंक ने क्या कार्रवाई की? कार्रवाई क्या, वो जुर्माना क्या उसको देना है, जो लिए है उसको देना है, वो थोड़ी आपको मोहलत देगी, हमको दो महीना मत दो, 4 महीना मत दो, 10 महीना मत दो, लेकिन वो आपको लेगा ही ना, आपको पकड़ के ले जाएगा, आपका बैंक इस्टीमेट से पूरा लोन देता है, वो आपका नहीं देंगे भरेंगे तो आपको जो जमीन लेगा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? ऐसा हुआ है तब ना मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कितनी जमीन ले लिए बैंक? बैंक क्यों जमीन क्यों लेगा, हम लोग भरेंगे कि अपना जमीन उसको दे देंगे, कमा के भरेंगे, कर्जा लेके किस दूसरे जगह से कर्जा लेके रिश्तेदारों से संगी दोस्तों से लेकर बैंक वाले को पूरा करेंगे, लेकिन जमीन प्रॉपर्टी थोड़ी बेच के बैंक वाले को पूरा करेंगे। अभी अमूल प्लांट आने वाला है यहाँ पर? अमूल प्लांट है आने वाला नहीं है, अमूल प्लांट है तो प्लांट अभी बनने में उसको 2 साल लगेगा, इतने जल्दी वो बन के तैयार नहीं होगा ना, उसको सुविधा हम लोग से मिलेगी, ठीक है, जो रेट वो 45 रुपया का लेगा या 40 रुपया का रेट लगेगा लेगा, वो वही रेट में हम लोग को 40 रुपया का, 40 रुपया तक गांव से हम लोग खरीद के लाते हैं, 35 रुपया का यहाँ बेच रहे हैं, क्या बेनिफिट हम लोग को, क्या सरकार हमको दी है, हम लोग के विषय में कभी सोची है सरकार? इसी रोड से सरकार आती है, उसी रोड से सरकार चली जाती है, लेकिन कभी केयर किया है? कभी नहीं केयर किया है। ये धंधा जो है हम लोग अगर एक दिन बंद कर दें ना पूरा बनारस, पूरा दूध खाली बंद हो जाए बनारस में, तो बच्चे कितना दूध के बिना मर जाएंगे, हम लोग वाला कितना पिलाएगा, वो केमिकल डाल के पिलाता है, उसको पिए हमारा जो है शुद्ध दूध पीजिए, उसमें उसको जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, हम लोग को बिजनेस चाहिए, और क्या चाहिए, हम लोग को जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हम लोग को प्रोत्साहन चाहिए, और क्या चाहिए, हम लोग को थोड़ी और कुछ करना है। सरकार ने तो 2 करोड़ सरकार ने क्या दिया, 5 साल कुछ नहीं, धोखा दिया, धोखा जुबलेबाजी और धोखा। हाँ, ये सरकार से हम लोग खुश नहीं है, दुखी है। 2 साल तक हम लोग को डंडा मार मार के, अभी बताओ दुकानदार का अगर दुकानदार दुकान बंद रहेगी तो दूध लेगा, वो मिठाई बना के बेचेगा कहाँ से, बना के बेचेगा जब उसका वो उसका सेलिंग होगा तब ना मेरा दूध लेगा, तो हम लोग किसको, तो 2 घंटा में कौन सा दूध बेच लेगा आदमी, कौन लेगा, खाने वाले के पास पैसा रहेगा तब ना 1 लीटर लेगा ना 2 लीटर लेगा, भाई खाने वाला आदमी होगा तो 5 लीटर लेगा, यही लेगा ना, तो 5 लीटर दूध लेने से क्या पूरा मंडी का दूध खत्म हो जाएगा? आप लोग अमूल प्लांट में, अरे अमूल प्लांट में जो है अमूल प्लांट वाला बोलता है कि भैया लॉकडाउन लग गया, हम लोग दूध लेके क्या करेंगे, वो खुद ही वो जवाब दे रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग बंद कर दिए। अभी करखियाओं में लगने वाला है, करखियाओं में लगने वाला है, अभी 2 साल के बाद चालू होगा, इतने जल्दी नहीं चालू होगा, रोजगार मिलेगा, फायदा होगा। अरे रोजगार जब मिलेगा मैडम, जब ये खुलेगा ना तो आप देख लेना जाके, आप भी मीडिया में वाली हैं, अब जाके वहाँ देख लेना कितना जनों को रोजगार मिलेगा, कितना लोग रोजगार पे वहाँ काम करेंगे, आप खुद ही देख लेना। हाँ, आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? आने वाले अभी रिएक्शन, आने वाली जो सरकार आएगी इससे बेटर आएगी। आप क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार हमको जो अगले 5 साल के बाद अगली 5 साल ये अखिलेश सरकार थी उसमें बच्चों लोग को रोजगार दी है, अच्छे लोग को भी रोजगार दी है, बुरे लोग को भी रोजगार दी है, भर्ती किया है, अभी 2016 का भर्ती अभी जो ना परसों जो नर्सों जो है जाके जो बहाल किया, क्यों 6 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? सरकार तो बहुत काम कर रही है, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, इतने बड़े बोर्ड लगाने से रोजगार मिलेगा?
बोर्ड लगाने से रोजगार मिलेगा? ईमानदार काम दमदार। अरे तो वही सोच ईमानदार काम दमदार नहीं है, सोच ईमानदार है लेकिन दिल में चोर है सरकार। अभी हमने भोजोबल के दूध सखी में दूध वालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उन्होंने खुलकर इस विषय पर बातचीत की। गांव के लोग चैनल में पूजा के साथ अपर्णा, नमस्कार।